अर्ज किया है इरशाद इरशाद। हाँ तो ये सबसे पहले अगर इंडिया जीत जाए वर्ल्ड कप तो घूमेगा हर इंडियन सीना तान। अरे वाह भाई 56 इंच। अच्छा अच्छा मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ। ओके ओके। अगर इंडिया जीत जाए वर्ल्ड कप तो घूमेगा हर इंडियन सीना तान, लेकिन उसके पहले हराना पड़ेगा दिल्ली में This team called Afghanistan. Oh my God, Afghanistan. थोड़ा सा हाइब्रिड था ये, इंग्लिश मिला के है ना। वेरी गुड मैन, थैंक्स। हाइब्रिड मॉडल आपका भी अर्ज किया। दिल्ली के मैदान की बात हो रही है तो भाई इंडिया का दूसरा मैच है दिल्ली में, और दिल्ली का जो मैदान है वो है छोटा 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 है मैदान भैया। इंडिया का दूसरा मैच है दिल्ली में और दिल्ली का छोटा है मैदान, और क्या स्कोर कार्ड पर लगेंगे 400 रन क्योंकि सामने है अफगानिस्तान। आए हाय 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 अफगानिस्तान है। 400 रन पिछली बारी पड़े थे यहाँ पे जब साउथ अफ्रीका खेला था। बिल्कुल। सबसे पहले वेलकम टू खिलाड़ी.com द क्रिकेट शो पर। भैया ये वेलकम करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि आप इतना प्यार देते हैं हमें, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आपसे बातचीत कर ली जाए। और बाकी वर्ल्ड कप चल रहा है, मैच पे मैच हुए जा रहे हैं। पहला मैच भी जो आज हुआ है वो बड़ा कमाल हुआ है। पहला मैच का मतलब हम बता दें कि दो मैच थे। हाँ, आज यार मतलब बिल्कुल ही मेरे को तो आईपीएल वाली फीलिंग आ गई। दो मैच चल रहे हैं, हेडर्स हो रहे हैं भाई। और ये तो वीकेंड भी नहीं था, मतलब वीकेंड के बगैर ये लोग डबल मैच कर रहे हैं। मंगलवार है जी। हाँ, शुभ मंगलवार। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, जैसे भी है। लेकिन पहला मैच जो था इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच खेला गया, और इसका नतीजा भी हम आपको बता देते हैं। बहुत ही शानदार ये गेम रहा था। इंग्लैंड ने जो है हरा दिया एकदम बांग्लादेश को, और न्यूजीलैंड से मिली हार का गुस्सा जो है बुरी तरीके से उन पे उतार दिया है, क्योंकि इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 137 रनों से हरा दिया है। यार कोई कम नहीं होते हैं ये 137, और 365 रन का तो टारगेट ही दिया था इंग्लैंड ने। उसके बाद तो समझ गया था कि बांग्लादेश तो नहीं करने वाली है, और वो बिल्कुल प्रूव हो गया। 227 रन पर ऑल आउट हो गए। डेविड मलान ने 140 रन बनाए। भाई साहब समझ नहीं आ रहा था ये बंदा रुक के राजी क्यों नहीं हो रहा है। और रीस टॉपली ने बांग्लादेश के 4 विकेट भी निकाल लिए। मतलब बैटिंग में भी चलना है, बॉलिंग में भी चलना है। बांग्लादेश इस बार तो ये भी नहीं कर पाई, हम ये तो बोल दे कम से कम कि भाई आप लोग दिल जीत कर जा रहे हैं। ओ, दिल भी नहीं जीत रहे, दिल भी नहीं जीत रहे, कुछ नहीं जीत रहे हैं भैया। ये भाई साहब क्या चल रहा है, ये जीत के नहीं दे रहे यार ये, मतलब बंदे कुछ जो मर्जी कर ले भाई। और इंग्लैंड के जो टॉप स्कोरर थे भाई, उसकी बल्लेबाजी की भी बात कर लेते हैं यार। यहां पे डेविड मलान जो है वो थे आज के टॉप स्कोरर। पहले मैच के अंदर 140 रन बनाए 107 गेंदों पे, 16 चौके और 5 छक्कों के साथ भाई 130 के स्ट्राइक रेट पे। भाई ये बंदा भाई अनस्टॉपेबल सा है। और भाई जो रूट भी है उन्होंने भी 82 रन बनाए 68 बॉलों पे, 8 चौके और 1 छक्का था इनकी पारी में, 120 का स्ट्राइक रेट इनका भी था। इंग्लैंड का अलग बैस बॉल चल रहा है भाई, ये लोग कभी भी पहले बीच में लग नहीं रहा था एक्चुअली, लेकिन फिर भी बढ़िया खेल गए। जॉनी बेयरस्टो ने भी 52 रन बनाए 69 बॉलों पर, 8 चौके, छक्का नहीं मारा, लेकिन भाई बढ़िया इनिंग थी ये भी, 88.13। यहाँ स्ट्राइक रेट कम लग रहा है ना, एकदम से 120 और 130 देखने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि भैया इनका स्ट्राइक रेट जरा कम रह गया, लेकिन फिर भी यार 350 पार अगर आपने बना दिया तो उसके बाद तो बढ़िया ही था। जो भी बना बढ़िया ही बना यहाँ पे। और भाई वहीं पे यार अगर इनका बैटिंग कार्ड देख ले तो जॉनी बेयरस्टो ओपनिंग करने आए, 52 रन मारे। डेविड मलान जो भाई टॉप स्कोरर रहे 140 रन, जो रूट 82, जॉस बटलर कैप्टन जो थे वो 20 ही रन पे रह गए, लेकिन 200 स्ट्राइक रेट से हमारे 20। भाई वो इंटेंट क्लियर था ना उनका कि भाई मार के खेलना, बैस बॉल जैसा कि मैं कह रहा हूं। बिल्कुल, अपना बैस भैया ने बुला ही होगा। हैरी ब्रूक भी थे, उन्होंने भी 20 मारे। लिविंगस्टन नहीं चले आज, गोल्डन डक पे आउट हो गए। साम करन 11, उसके बाद क्रिस वोक्स आए 14 रन, और उसके बाद आदिल रशीद ने भी 11 रन मारे। कुल मिला के भाई 365 जितने दिन होते हैं भाई, लेकिन इतने रन बनाए किस पे ये भी तो देख लेते हैं। बांग्लादेश के वो बेचारे हेल्पलेस छोड़ा नहीं ना जी कुछ भी उनके अंदर। हेल्पलेस बॉलर्स की भी बात कर लेते हैं, देखते हैं उनका बॉलिंग कार्ड किस तरीके का रहा। सच बता रहा हूँ, बहुत गंदा रहा। आप मुस्तफिजुर को देखोगे 10 ओवर 70 रन कोई विकेट नहीं, तस्कीन अहमद 6 ओवर 38 रन 1 विकेट, शरीफुल इस्लाम 10 ओवर 75 रन 3 विकेट, मेहदी हसन 8 ओवर 71 रन 4 विकेट, और शाकिब उल हसन 10 ओवर 52 रन इकोनॉमिकल रहे 1 विकेट भी लिया, हसन मिर्जा 6 ओवर 55 रन कोई विकेट नहीं। यही है वो पहले आता था ना, पहले के उसमें क्रिकेट शोज वगैरह में इधर उधर बोलते थे, कह रहे मैच का मुजरिम कौन है, अरे क्राइम थोड़ी कर दिया है मैच का मुजरिम। ये क्राइम व्राइम वाली बातें नहीं होती है भाई साहब, ठीक है गंदा खेले बस इतना ही कह दो कि गंदा खेले, लेकिन बांग्लादेश के जो बॉलर्स हैं वो उतना बढ़िया नहीं कर पाए, साफ सीधी सी बात यही है। तो भाई कब अच्छा करते हैं वो बस अच्छा कर जाते हैं। इनका भी एक आधा नेपाल से मैच कराओ, एक आधा
पाकिस्तान से भी मैच करा सकते हैं मेरे ख्याल से। पाकिस्तान से मैच कराओ तो हो सकता है भाई, लेकिन रीस्टॉप ली थे भाई वहां पे इंग्लैंड के, जिन्होंने 10 ओवर के अंदर 4 विकेटें निकाली भाई, 43 रन देके 4.3 की इकोनॉमी। इसे कहते हैं बॉलिंग, इसे ये भाई, मतलब ये इतने लंबे बंदे भाई वहां से जब वो बॉल फेंकते हैं 9-10 फुट से। रीस्टॉप ली ने बांग्लादेश को टॉपल कर दिया, टॉपल भाई, टॉपल करने में भाई मजबूर कर दिया है वहां पे, और पहला मैच जो है बहुत ही कंफर्टेबल तरीके। लेकिन ये पूरे मैच का हमने हाल देख लिया है, बॉलिंग कैसे रही, बैटिंग कैसे रही, तो मेरे ख्याल से अब बात कर लेते हैं अपने न्यू सेगमेंट के बारे में, हमारे सबसे नए नवेले सेगमेंट के बारे में, जो है सबसे बड़ा खिलाड़ी, ब्रॉट टू यू बाय khiladiex.com। तो आज जो हमारे सबसे बड़े खिलाड़ी रहे वो रहे हैं डेविड मलान। ओ भाई, वन एंड ओनली भाई, 140 रन की पारी, 16 चौके, 5 छक्के, और स्ट्राइक रेट भी भाई कम नहीं, 130 के स्ट्राइक रेट से जब भाई कोई बोलर, जब बॉलर की पिटाई होती है, हाँ, मतलब कोई एक नहीं, मेरे ख्याल बहुत सारे बॉलर मिला के पिटाई हुई है। और अगर आप इन जनरल आप देखोगे कि डेविड मलान किस तरीके की फॉर्म में चल रहे हैं, आप देखोगे बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने न्यूजीलैंड पे भी अपनी सेंचुरी जमाई थी, और उससे कुछ वक्त पहले अगर और पीछे चले जाते साल की शुरुआत की तरफ, तो फिर उसके अंदर आप देखोगे सेंचुरी बांग्लादेश पे भी आई थी, और 23 मैच के अंदर इनके 1200 रन है भाई साहब, 140 इनका हाईएस्ट जो है वो बन गया, और 63 का एवरेज है, 98.4 का स्ट्राइक रेट है। आप बताओ ये बंदा क्या करके मानेगा भाई, बिल्कुल नहीं रुकते हैं यार। दूसरी तरफ जो दूसरा मैच है वो पाकिस्तान का भी चल रहा है, चल रहा है अभी, मतलब हो सकता है हमारे शो के दौरान ही खत्म हो जाए तो हम आपको बिल्कुल अपडेट दे देंगे, लेकिन नहीं हुआ तो भी भाई आप सभी को पता है कि कौन जीतना चाहिए पाकिस्तान और श्रीलंका में से। लेकिन भाई हम कल चाहेंगे श्रीलंका जीत जाए, थोड़ा सा बढ़िया मजा सा आ जाता थोड़ा सा ना अंदर से।